दोस्तों, तो दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूं ग्राम पड़ी तालाब में, जहां पर तालाब का चमत्कार देखने को मिल रहा है लोगों के द्वारा। और यहां की जनसंख्या का आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, आए हुए हैं यहां पर नहाने के लिए तालाब में। तो दोस्तों हम आज जानना चाहेंगे कि लोग कहां कहां से आए हुए हैं और क्या यहाँ पर आने से उनकी दुख और शरीर की जो समस्या है वो ठीक हो पा रही है क्या नहीं हो पा रही है। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं और जानेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है, किस प्रकार से। तो भैया से बात करते हैं। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? कताहुर पात्रे। कहाँ से आए हैं? शीतलदा। शीतलदा, हाँ। तो कितना बार हो गया आपको आते हुए? दो बार। दो बार, क्या कैसा है यहाँ पर? ठीक है। ठीक हो रहा है बीमारी के? हाँ। बहुत ही ठीक है। भैया बता रहे हैं कि यहाँ की जो मतलब तालाब चमत्कारी तालाब है, ये सचमुच ही चमत्कारी तालाब है, ठीक हो रहा है यहाँ पर बताया जा रहा है। और चलिए अन्य लोगों से भी पूछेंगे, जानेंगे क्या कुछ है यहाँ पर। अरे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं और एक भैया, आप उनके नाम बता दो। आपके नाम? मेरा नाम गंगाचरण सतनामी है, ग्राम टिंगीपुर, पोस्ट ऑफिस बाकी तहसील मुंगेली, जिला मुंगेली का रहने वाला हूँ। यहाँ पेंडी तालाब में बाबा गुरु अमरदास जी का अपार महिमा है। यहाँ कोर्ट बहुत से आते हैं पब्लिक, जिसका दुख दर्द है, तकलीफ है, कोई भी प्रकार के है, श्रद्धा से आते हैं, उसके हर मनोकामना पूरा होता है। यहाँ गुरु अमरदास जी के चटोपुरी वाले का यहाँ अपार महिमा है। यहाँ कोटिन प्रकार के कोई भी प्रकार का तकलीफ होता है वो दूर हो जाता है। एक बिलासपुर से एक व्यक्ति आए थे, उसके शरीर में नाना प्रकार के जिसको कोढ़ कहा जाता है उसका बीमारी था। वो बीमारी लोरमी से होते हुए आते इधर आ रहे थे, वहाँ उसको प्यास लगा, तो प्यास पीने के चक्कर में आया, पानी यहाँ से जस्ट पीने के लिए एक बार पिया, उसके बाद उसके पीने से उसके काया निर्मल हो गया। उसी से पेंडी तालाब आज करीबन 2 से 3 महीने 4 महीने हो गया है। इतना हावी हो गया है कि पब्लिक आने में बहुत आने जाने में भी सुविधा असुविधा हो रहा है, क्योंकि रोड मेन रोड के पास है ये तालाब। इतने पब्लिक हर प्रकार की बीमारी दूर हो रहा है। बहुत बहुत है इस बाबा जी का कृपा। और ये लोग जो देख रहे हैं वो अगर दर्शन करना आएंगे यहाँ पर तो किस प्रकार से दर्शन कर सकते हैं? और यहाँ का एड्रेस बताइए, ये जगह का स्थान का नाम? ये है पेंडी तालाब, ये है, ये तहसील लोरमी पड़ता है, जिला मुंगेली पड़ता है। यहाँ का यहाँ दृश्य बहुत अजीब है। यहाँ हर प्रकार की कहे जाए तो इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो जैसा रूप से देखेंगे आप वैसा ही मान सकते हैं, क्योंकि आज क्या ऐसा है कि मेरे को कुछ दिखाओ तो यहाँ क्या दिखा सके। यहाँ प्रमाणित जीता जागता है जल देती दाई। यहाँ बाबा जी का महिमा इस तालाब में है। यहाँ इसके अच्छा और क्या चीज़ हो सकता है? बहुत से बीमारी वाले तकलीफ वाले दांत खाज खुजली नाना प्रकार के जिसको जो तकलीफ है, यहाँ श्रद्धा से नहाओ। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कष्ट है तो भी आओ, नहीं है तो भी आके नहा सकते हो। क्या नारियल है, नारियल चढ़ा सकते हैं। आत्मा से चिंतन करो, सब कुछ मिल सकता है यहाँ, ऐसे नहीं मिलने वाला बात नहीं है। यदि मान के चलो इतने पब्लिक में आए, अगर 200 आदमी का अगर तकलीफ दूर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इतने में अगर बड़े हम एक व्यक्ति और है, यही से लोरमी ब्लॉक का है, वो जो 5 लाख खर्चा करके वो अपने घर में बैठ चुके थे, वो कहीं भी जाके डॉक्टर से हो या वैद्य से हो सभी से जाके तो उसको ठीक नहीं लगा। यहाँ आने से 2 बार आके नहाया और 2 बार नहाने की बात वो चला गया, तो आज वो स्वच्छित हो गया है और निरोगी हो गया है, स्वस्थ हो गया है वो व्यक्ति। यहाँ के नाम पे यहाँ लाइट लगवाएंगे ऐसे बोले हैं, और यहाँ के दर्शन वाले को लोग के सुविधा के लिए बोले हैं, वो भी ठीक हो गए हैं। मतलब ऐसे ऐसे कई केस हैं, ऐसे ऐसे कई पेशेंट हैं वो वास्तविक में ठीक हो गया है। ये बहकावा बहलावा वाली बात नहीं है, आके जो नहीं जो आके कोई भी श्रद्धालु आके दर्शन कर सकते हैं। बाबा गुहाई दास के दूसरी पुत्र की उसका महिमा है, जो चिल्ला चटवापुरी धाम वाले बाबा जी का है, गुरु अमरदास जी का है, बाबा गुहाई दास के दूसरा बेटे का यहाँ दृश्य है जी। और बताया जा रहा है वहाँ वो है यहाँ आए थे करने के लिए, यहाँ आए थे बाबा जी, यहाँ वही महिमा दिखाकर चला गया। आज ये पहले बहुत सदियों से पहले भी स्नान कर रहे थे इसमें, जो दांत खाद छोटा मोटा खुजली वजली वाले, आज से नहीं, ये सदियों से इसमें नहा रहे हैं। पर ज़्यादा लाई हाइट वही जो बता रहा हूँ, बिलासपुर से जो व्यक्ति यहाँ से नहा कर गया है तकलीफ वाला, उसका दूर हुआ है, आज करीबन 4 महीने हो गया है।
उसी के कारण और बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कितना बढ़ सकते हैं इसको कोई कह नहीं जा सकता।